नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हमारे सामने है फॉक्सवैगन वर्टस हाईलैंड वेरिएंट। जी हाँ, हम इसको वर्टस का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी कह सकते हैं। 1 लीटर इंजन के साथ है। क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कैसा स्पेस है और इस गाड़ी में आपको क्या खास देखने के लिए मिल जाता है रेदर देन कंपेरिजन कार्स के। जैसे कि इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं होंडा सिटी, ह्युंडई वर्ना, मारुति सुजुकी सियाज, इसी के साथ फॉक्सवैगन वर्टस एंड स्कोडा सलाविया। तो ये गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए पूरा डिटेल में जानेंगे और वैल्यू फॉर मनी मॉडल ये वर्टस का क्यों है तो वो भी पूरा वीडियो में जानने वाले हैं। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो देखो, फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर LED रिफ्लेक्टर बेस सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाती है आपको DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स। इसी के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। फॉग लैंप्स मिल जाते हैं स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन बेसिकली होता क्या। मानकर चलिए हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है एंड जिधर की साइड का भी हम इंडिकेटर देते हैं या फिर हम स्टीयरिंग टर्न करते हैं उधर की साइड का फॉग लैंप ऑन हो जाता है एंड उधर की साइड की विजिबिलिटी को एनहांस कर देता है। फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम बेल्ट लाइन देखने के लिए मिल जाती है। पियानो टेक्सचर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। फॉक्सवैगन का 2D लोगो ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अगर मैं साइड प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 4561 mm और व्हील बेस है 2651 mm। इतनी लंबी गाड़ी होने के बाद भी ये गाड़ी मात्र टर्न हो जाती है 5.05 मीटर टर्निंग रेडियस में, जो कि एक टाटा नेक्सॉन से भी कम है। इसी के साथ सेकेंड एडवांटेज की बात करूँ तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। एक SUV वाली ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक सेडान में देखने के लिए मिल जाती है। तो आप इसको कह सकते हैं इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ द वन, जो कि एक प्रैक्टिकल कार है एक सेडान ऑप्शन में। अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ मिल जाते हैं इसमें आपको मशीन कट सिल्वर अलॉय व्हील्स। टायर प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइलिंग इसमें मिल जाती है आपको 205/55 R16 की, इसमें आपको टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ नॉर्मल इसमें आपको वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं, कोई एरो ट्विन वाइपर्स इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बॉडी कलर ORVM विद टर्न इंडिकेटर, जो कि है आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल के साथ। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल, कुछ क्रोम ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है इसमें आपको और ऐसा कुछ आपको व्यू देखने के लिए मिल जाता है। और फॉक्सवैगन की आप कोई भी गाड़ी देख लीजिए उसमें आपको प्रॉपर मिलती है यहाँ से ये लेज़र वेल्डिंग कुछ इस तरीके से। इस लेज़र वेल्डिंग का फ़ायदा क्या रहता है, आपने और गाड़ियों में देखा होगा कि यहाँ पर ना आपको ब्लैक स्ट्रिप मिलती है जिसके नीचे की साइड ना डस्ट जमा हो जाती है और 4 से 5 साल बाद गाड़ी में एक रैटलिंग नॉइस आ जाती है। बट फॉक्सवैगन के किसी भी यूज़र से आप पता करना, अगर 10 साल भी वो गाड़ी रखते हैं ना, गाड़ी में रैटलिंग नॉइस नहीं आती, बिकॉज उसमें मिलती है आपको स्पॉट वेल्डिंग और इसमें मिलती है आपको सिंगल बॉडी फ्रेम लेजर वेल्डिंग। शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, रियर में मिल जाता है इसमें यहाँ पे आपको डिफॉगर कुछ इस तरीके से। और रियर लुक की अगर मैं बात करूँ तो रियर लुक रहने वाला है कुछ इस तरीके से गाड़ी का। और इस गाड़ी में पीछे की साइड भी प्रॉपर LED सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो लाइट्स है ना, ये मैं कहूँगा कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि डायरेक्टली नहीं, ये जो लाइट है ना इसको मैं आप कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है ऑडी की A3 से। और इसी के साथ यहाँ पे इसमें आपको रियर में एक सिंगल फॉग लैंप भी देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की साइड मिल जाता है आपको 3 पार्किंग सेंसर्स, क्रोम बेल्ट लाइन और रिफ्लेक्टर, TSI की बैजिंग, फॉक्सवैगन का लोगो, वर्टस की बैजिंग। इसी के साथ बूट ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छा मैसिव बूट स्पेस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है 521 लीटर्स का। और इसी के साथ टायर प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है 195/60 R15 की, इसमें आपको टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट एड किट, हैजार्ड रिफ्लेक्टर। और इसी के साथ इस गाड़ी में ना एक खास चीज़ है, सेडान्स में बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है ये चीज़, इसमें मिल जाती है आपको रियर में 60-40 स्प्लिट सीट, जिसकी वजह से आप अपने बूट को दोनों सीट फोल्ड करने के बाद 1050 लीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि इस सेगमेंट में शायद ही कोई गाड़ी ऑफर करती है इस प्राइस रेंज में। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी में आपको क्या कुछ खास अंदर से देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के डोर पैनल की। तो डुअल टोन इसमें आपको डोर
इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है, चारों की पावर विंडो, ड्राइविंग साइड वन टच अप एंड डाउन के साथ, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, प्रीमियम सिल्वर फिनिश के साथ डोर हैंडल, लॉक अनलॉक का बटन, चारों ही डोर्स में इसमें मिल जाते हैं आपको बॉटल होल्डर्स, और चारों ही डोर्स में इसमें आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड रियर में आपको ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ फ्रंट के जो ट्विटर्स हैं वो आपको यहाँ ए पिलर में देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर का इंटीरियर प्रॉपर तरीके से रहने वाला है बेज कलर में, जो इस गाड़ी के इंटीरियर को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। इसी के साथ हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है इसमें आपको ड्राइविंग सीट कुछ इस तरीके से, इवन ये आपको बेस मॉडल से मिल जाती है, और ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बकेट सीट्स। इस गाड़ी की अगर मैं सीट की स्टिफनेस की बात करूं और इसकी जो बनावट है उसकी अगर मैं बात करूं ना, तो ये गाड़ी में ना आपको काफ़ी अच्छे लेवल का कंफर्ट मिल जाता है। आप 300 से 400 किलोमीटर इन अ सिंगल पैच में आप कवर कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर में क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम कर लेते हैं गाड़ी का डोर बंद। तो देखो, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है गाड़ी, इवन इन एडल्ट के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी। ये जो स्टेयरिंग है ना, ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ मिल जाता है इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में RPM मीटर एंड आपको मिल जाता है टेम्परेचर मीटर, राइट साइड में आपको मिल जाता है फ्यूल गेज एंड इसी के साथ आपको स्पीडोमीटर, बीच में मिल जाती है आपको 3.5 इंच की LCD डिस्प्ले जो कि है MID की। इसमें आपको काफ़ी फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें मिल जाता है आपको, थोड़ा सा इसको कम कर देते फैन की हवा को, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये मिल जाता है आपको 10.1 इंच का, ये रहता है 5 डिग्री ड्राइवर की साइड टिल्ट, इजी टू ऑपरेट है, और इस जो डिज़ाइन एलिमेंट को बोला जाता है अर्गोनॉमिक डिज़ाइन, ये डिज़ाइंस आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कार्स में। लैदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम के साथ यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस, ऑडियो कंट्रोल्स के फंक्शंस, वॉल्यूम, यहाँ आपको सॉन्ग चेंज करने के लिए, और यही मिल जाता है आपको MID को कंट्रोल करने के लिए फंक्शंस, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको वॉइस असिस्टेंट का सिस्टम, जिससे आप अपना एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं या किसी को कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ मिल जाता है आपको कुछ इस तरीके से ऑटो AC रहने वाला है प्रॉपर टच पैनल के साथ। यहाँ मिल जाता है इसमें आपको वायरलेस चार्जर, 2 C-टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है जो आपको डिस्प्ले पर मेंशन भी हो रही है। इसमें मिल जाता है आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स एंड मैनुअल गियर बॉक्स, कहने का मतलब मैनुअली भी आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको पैडल शिफ्टर्स कुछ इस तरीके से, नीचे की साइड से आपको ओनली 2 पैडल देखने के मिलते हैं, ब्रेक, एक्सेलेटर एंड ये आपको मिल जाता है डेड पैडल। यहाँ पे मिल जाता है आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, 2 ग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट्स, इसी के साथ यहाँ पे हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडिंग फंक्शन के साथ विद स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। इसी के साथ बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ये मिल जाता है आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स, जिसको आप यहाँ से कुछ इस तरीके से करके ऑपरेट भी कर सकते हैं। बात करते हैं ड्राइविंग साइड सनशेड की, तो यह मिल जाता है इसमें आपको टिकट होल्डर। IRVM की बात करूं तो ये मिल जाता है आपको मैनुअली डिमिंग, जो कि आपका यहां से देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ऑपरेट होता है। ये आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है जो कि LED के साथ है। को ड्राइवर साइड सनशेड में मिल जाता है आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर। मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर देता हूँ एंड बताता हूँ इस गाड़ी में कैसा कुछ स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो, मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, और उसके बाद मैंने बहुत कंफर्टेबली ड्राइविंग पोजीशन में अपनी सीट एडजस्ट करी है, जहाँ मेरे को नी रूम भी अच्छा मिल रहा है, अंडर साइज सपोर्ट भी मेरे को काफ़ी डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं हम इसमें रियर में, एंड रियर में दिखाते हैं ये गाड़ी कैसा स्पेस ऑफर करती है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है और मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, मैं पूरा खुल के बैठा हुआ हूँ, उसके बाद भी नी रूम एंड डेग रूम देख सकते हो, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट मेरे को देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको रियर में AC वेंट्स, सी टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स, आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि है आपका ग्लास होल्डर्स के साथ, तीनों ही आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, बकेट सीट्स है, तो पीछे की साइड आप इस गाड़ी में 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंट ही इजीली आप बैठ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने के कि आप 3 जने, देखो इंडिया है, कोई भी गाड़ी हो आपको एडजस्ट ही करना पड़ता है थर्ड पर्सन के लिए, बाकी 4 जने ही गाड़ियों में एज यूजुअली कंफर्टेबली जा सकते हैं। बोनट ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। करते हैं गाड़ी का बोनट ओपन। तो देखो, जैसा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है ना, तो
ये बोनट फील भी होता है। इसमें मिल जाता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। पावर स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिल जाती है आपको 115 PS एंड 178 Nm का टॉर्क। और जो ये 178 Nm का टॉर्क है ना, ये आपको मिल जाता है 1750 RPM से। इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में अगर कोई भी 3 सिलेंडर कार आप देखेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ सबसे बेहतर टॉर्की पैपी इंजन और इसी के साथ साथ रिफाइन इंजन। रिफाइनमेंट लेवल में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे आपको इवन इंसुलेशन भी फॉक्सवैगन नहीं ऑफर करता है, बिकॉज ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। इवन इसकी जो वाइब्रेशन है ना, अगर आप मैनुअल गाड़ी भी चलाएंगे ना, तो उस वहाँ पे भी आपको फील बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी के साथ करते हैं गाड़ी का बोनट बंद एंड बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज की। तो देखो, एज पर द कस्टमर फीडबैक, इस गाड़ी में जो आपको माइलेज देखने के लिए मिल जाती है लोकल में 12 से 15 डिपेंड करता है रोड सिचुएशन एंड ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर। इसी के साथ साथ हाईवे पे ये गाड़ी आपको इजीली 18-20 तक का माइलेज आराम से निकाल देती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है 14,87,900 रुपये एक शोरूम प्राइस के साथ। सो फॉक्सवैगन वर्टस या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से, तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR ईस्ट गाज़ियाबाद। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स के साथ।